देखने से पहले एक डिस्क्लेमर है, अगर आपके फीड पे ये वीडियो आई है तो ये इंडिकेट करता है कि ये सिर्फ आपके लिए बनी है। इसे लाइक करना है तो लाइक करो या सब्सक्राइब कर लो, बट गलती से भी इस वीडियो को किसी के साथ शेयर मत करना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टाटा, एप्पल, गूगल, इन तीनों में एक कॉमन चीज क्या है? आप सोच रहे होगे कि इसमें कॉमन चीज क्या है भाई, ये तीनों तो अलग अलग सेगमेंट्स में है। टाटा के मल्टीपल अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस है, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ताज। लेकिन हम सब लोग टाटा इस ब्रांड को सिर्फ एक चीज की वजह से जानते हैं, रिलायबिलिटी, भरोसा। टाटा के नाम के साथ वो भरोसा आता है। अब शुरुआत में मैंने एप्पल का भी नाम लिया था, एप्पल की खुद की एक ब्रांड वैल्यू है। अगर आप चार लोगों में पॉकेट से एप्पल का फोन निकालते हो तो सामने वाला हमेशा यही चीज कहता है, भाई बड़े पैसे आ गए तुम्हारे पास, अमीरी देख रहे हो। सब लोगों को एप्पल की दो चीजें पता है, अगर एप्पल कोई भी चीज बनाएगा तो एक तो वो तगड़ी होगी और दूसरा उसकी प्राइस काफी हाई होगी। तुम्हारे दिमाग में एप्पल को लेके एक अलग ही परसेप्शन बन चुका है। एंड लास्टली बात करते हैं गूगल की। हमारे कॉलेज के असाइनमेंट से लेकर ऑफिस के प्रोजेक्ट्स तक हम लोग खुद से भी ज्यादा भरोसा गूगल पे करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी चीज है जो इन सारे ब्रांड्स को एक साथ कनेक्ट करती है, एंड दैट इज रेपुटेशन। इन सारे ब्रांड्स की मार्केट में और उनके कस्टमर्स के दिमाग में एक बहुत ही तगड़ी रेपुटेशन है। और आपको क्या लगता है ये बस एक रात में बिल्ड हो गई? नहीं, ये कई सालों की मेहनत है। इन कंपनीज ने इस लेवल पे पहुंचने के लिए और इतना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, बिकॉज उन्हें पता था कि लॉन्ग रन में इतनी हेवी कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी उन्हें एक ही चीज बचा सकती है, एंड दैट इज देयर रेपुटेशन। और ये चीज सिर्फ ब्रांड्स तक सीमित नहीं है। कल आके अगर आपको रतन टाटा सर या फिर मुकेश अंबानी जी ये कहे कि भाई इस स्टॉक पे पैसे लगा दे, बट मैं अपनी गारंटी के साथ तुझे ये कहता हूँ कि अगले साल तक ये स्टॉक 100 गुना इंक्रीज होगा, तो क्या आप उसमें पैसे नहीं लगाओगे? ये होती है किसी एक्सपीरियंस बेस्ड इंसान की रेपुटेशन। वो बंदा मार्केट में इतने सालों से, उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप ये बेट लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे। दिस इज अ पावर ऑफ रेपुटेशन। और यही रेपुटेशन लोग सही काम करने के लिए भी यूज करते हैं और गलत काम करने के लिए भी। सही काम करने के तो ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने है ही, लेकिन अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल करके लोग बहुत गलत काम भी करते हैं। आपके आसपास के एमएलएज एमपीज को देखो, 110% उनका कोई ना कोई एक गलत धंधा जरूर होगा, चाहे वो इल्लीगल लिकर शॉप हो या फिर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ये लोग अपनी रेपुटेशन का और अपनी पावर का गलत यूज करते हैं। एंड अगर आप अपनी रेपुटेशन की इज्जत नहीं करोगे और उसका सही से यूज नहीं करोगे तो 110% आपका डाउनफॉल होने ही वाला है। आप खुद से एक सवाल पूछ के देखो, अगर आप किसी को कोई चीज करने के लिए कहोगे तो क्या वो करेगा? क्या वो अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाके आपकी मदद करेगा? दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी बातों की और जिनकी रेपुटेशन की वैल्यू है। और बाहर वालों को तो छोड़ ही दो, तुम्हारे खुद के घर वालों को तक तुम पे विश्वास नहीं है। जब भी आप उन्हें जाके कहते हो कि मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं, मुझे मर्सिडीज लेनी है, ऑडी लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, तो सामने से जवाब क्या आता है? ये बात भी इन द एंड रेपुटेशन पे आ जाती है। अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे और कुछ करके नहीं दिखाओगे तो सामने वाले की नजरों में आप कभी उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को कभी भी अपने ड्रीम्स मत बताओ, उन्हें रिजल्ट्स दिखाओ, क्योंकि रिजल्ट्स दिखाने से ये साबित हो जाता है कि इस बंदे में कुछ करके दिखाने की पोटेंशियल है। और ऐसे मोमेंट्स पे जब तुम अपने काम के रिजल्ट्स दिखाते हो, तब तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी तुम्हें सपोर्ट करने लगते हैं, बिकॉज उन्हें भी ये चीज पता है कि अगर बंदा किसी चीज के लिए इतना घिस रहा है तो जरूर एक ना एक दिन वो उस चीज में फाड़ के रखेगा। और रेपुटेशन बिल्ड करने के मेन और फाउंडिंग ईयर्स होते हैं 18 to 24। इसे ऐसा समझो कि ये आपके लाइफ के प्राइम ईयर्स है। आप जो भी चीजें इस एज में पढ़ोगे, जैसी भी चीजें कंज्यूम करोगे, आप बिल्कुल वैसे ही बनोगे। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आपको पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। आप 13 से 17 साल की उम्र में जब होते हो तब आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई आइडिया नहीं होता। आपकी फैमिली आपके लिए आपके सारे नीड्स प्रोवाइड कर रही है, आपके सिर के ऊपर एक छत है, आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, और आपको एज अ पर्सन कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही इस सब के लिए। इसलिए इस उम्र में बकचोदी कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे ही आप 18 ईयर्स के हो जाते हो तो एक माइंडसेट शिफ्ट सभी लोगों में आना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि वो बकचोदी करने वाले दिन चले गए, अब लाइफ के बारे में और खुद के बारे में थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और जितने भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है वो 110% सीरियस है इस चीज के बारे में, वो खुद को चेंज करना चाहते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू लॉ नंबर 5 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। कॉन्शियसली इन एवरी सिंगल मोमेंट अपनी रेपुटेशन को गार्ड करना सीखो। चलो जरा इस लॉ को डिटेल में ब्रेक डाउन करके समझते हैं। अगर आप याद करोगे तो आपके स्कूल में एक ना एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसकी सब लोग लेते हैं, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, आते जाते चलते फिरते सब लोग उसी को टपली मारते हैं, उस बंदे की पूरे स्कूल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हो सकता है वो आप भी हो, और इस चीज को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी कि जब तक आपको आपकी खुद की गलतियां नहीं दिखेगी तब तक आप खुद को चेंज नहीं कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम से पहले प्रीलिम एग्जाम्स की होती है ताकि आपको पता चले कि आप कहां पे गलती कर रहे हो, ताकि आप उन सारी गलतियों को बोर्ड एग्जाम से पहले सुधार पाओ। बट हम सभी लोगों को आदत ही लग चुकी है गलतियों को नजरअंदाज करने की। हमारी खुद की नजरों में हम तो दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान है, तो अगर आप वैसे इंसान हो तो एक्सेप्ट कर लो। बैक टू द टॉपिक, आप सोचो जब वो बंदा बड़ा होगा और कहीं पे जॉब करने जाएगा और वो बंदा वैसा के वैसे ही रहा जैसे वो स्कूल में था, तो सोचो उसको अपने कलीग से, अपने दोस्तों से जॉब पे भी ताने मिलेंगे। जब इसकी शादी होगी तब भी इसको कोई भाव नहीं देगा, जब इसके बच्चे होंगे तो बच्चे खुद इसकी बात नहीं सुनेंगे और उसे उल्टा जवाब देने लगेंगे। आप सोचो ऐसे मोमेंट पे उस बंदे की मेंटल स्टेट क्या होगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी कभी ऐसी मेंटल स्टेट में फंसो। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस बंदे के दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में मैं कुछ बड़ा करूं या ना करूं, लेकिन अगर मैं इस 18 to 24 वाले एज ग्रुप का माइंडसेट चेंज कर पाया तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। अब रेपुटेशन कैसे बिल्ड करनी है वो समझने से पहले आपको रेपुटेशन की थोड़ी और इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी।
मिलती है। रेपुटेशन के साथ साथ आपको एक और चीज मिलती है और वो है पावर, एंड दीज बोथ गो हैंड इन हैंड। यानी रेपुटेशन आपके पास आएगी तो आपको पावर भी मिलेगी, और पावर आपके पास आएगी तो उसके साथ रेपुटेशन भी आएगी। नंबर टू, एक बार आपने अपनी रेपुटेशन खो दी तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो आप उसे गेन नहीं कर सकते। शायद से आप इनफ ट्राई करोगे तो वो एक लेवल पे आ जाएगी, बट कभी भी उस लेवल पे नहीं रहेगी जहाँ पे वो पहले थी। और जब भी आपकी रेपुटेशन नीचे गिरेगी तो आपकी तरफ चारों तरफ से हमला होगा। रिसेंट एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो आप लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। जब भी इंडिया कोई मैच जीतती है तो लोग प्लेयर्स को अपने सिर पे बिठा लेते हैं, उनकी वाहवाही और उनके मीम्स आपको सोशल मीडिया पे हर जगह दिख जाएंगे। लेकिन गलती से भी अगर कभी ये लोग मैच हार जाए तो यही जनता उनपे कीचड़ उछालती है, उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, उनके बारे में खराब हेडलाइंस बनाकर न्यूज चैनल उन्हें शोकेस करते हैं, उनकी और चारों तरफ से हमला होता है। चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, लोग उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने से पहले दो बार भी नहीं सोचते, सिर्फ उस एक मैच की वजह से जो वो लोग हारे। तो एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन आपको बहुत सारी चीजें लाके जरूर देगी, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें दांव पे भी लगती है। अब रेपुटेशन की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे, तो बात करते हैं कि रेपुटेशन को बिल्ड कैसे करना है। पॉइंट नंबर वन, स्पीक व्हाट यू फील। आप लोग मुझे क्यों ट्रस्ट करते हो? मैं तो एक रैंडम क्रिएटर हूं जिसे आप कभी मिले भी नहीं हो, बट यू ऑल ट्रस्ट मी बिकॉज अगर कोई चीज गलत है तो मैं उसे गलत ही कहता हूं। मुझे पता नहीं आपने कभी ये नोटिस किया या फिर नहीं कि इस चैनल पे कभी आपने कोई बेटिंग ऐप का प्रमोशन नहीं देखा होगा। आपको आज से कुछ महीनों पहले की एक स्टोरी बताता हूं। जब ये चैनल जस्ट ग्रो होना शुरू हुआ था तो उस मोमेंट में इंडिया की एक बहुत बड़ी बेटिंग कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था और उनको अपने ऐप का प्रमोशन इस चैनल पे करना था। डील काफी लंबी थी और पैसा भी बहुत मजबूत। अगर आपको अमाउंट जाननी है तो क्लियरली बता देता हूं कि 20 लाख रुपए थे। अब 20 लाख जैसे आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, वैसे मेरे लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं अभी भी रेंटेड फ्लैट में रहता हूं, इससे मैं अपनी फैमिली को एटलीस्ट घर के लिए डाउन पेमेंट के पैसे तो दे सकता था। और खुद का घर होना किसी भी इंसान का एक बहुत बड़ा सपना होता है, और घर भी ना सही तो एटलीस्ट मैं 20 लाख से एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल तो अफोर्ड कर सकता था। बट आई क्लियरली सेड नो टू द ब्रांड। देखो, बस कुछ रुपयों के लिए किसी की जिंदगी के साथ खेलना मुझे सही नहीं लगता, और ये बेटिंग इंडस्ट्री किसी इंडिविजुअल की लाइफ खराब नहीं करती, ये कलेक्टिवली उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है। आपने ये चीज तो बहुत बार सुनी होगी कि लोगों ने अपनी गाड़ी गिरवी रख दी, अपना घर गिरवी रख दिया, अपने जेवर गिरवी रख दिए। सट्टेबाजी करते वक्त लोग अपनी हद भूल जाते हैं, एंड मैं पर्सनली किसी भी ऐसे क्रिएटर की रिस्पेक्ट नहीं करता जो बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन करता है। आप ये सब बेटिंग ऐप के प्रमोशन करके पैसे तो कमा रहे हो, दुबई में घर भी ले रहे हो, महंगी महंगी गाड़ियां भी ले रहे हो, बट जिन लोगों की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हो उनका क्या? कुछ मंद बुद्धि वाले क्रिएटर्स ये चीज कभी समझ नहीं पाएंगे। बट एनीवेज द पॉइंट वाज, आज 1 मिलियन लोग वेब ऑफ कर्नर पे ट्रस्ट इसी वजह से करते हैं, और हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग इसी वजह से है बिकॉज वो लोग जानते हैं कि इस बंदे ने कभी पैसों के लिए किसी गलत चीज का प्रमोशन नहीं किया। पॉइंट नंबर टू, अगर आप दिल से किसी को एडमायर करते हो तो उन्हें एमुलेट करो। एमुलेट करना यानी उस इंसान की कुछ अच्छी आदतें लेना। फॉर एग्जांपल, मुझे पर्सनली रतन टाटा सर बहुत पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हम्बल नेचर, और मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि उनके इंटरव्यूज देख के, उनकी बातें सुन के मैं वो सारी चीजें सीख पाऊं। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू एमुलेट समवन। जो भी इंसान आपका आइडल होगा फॉर श्योर उसकी रेपुटेशन बहुत हाई होगी। आई एम प्रीटी श्योर कि लोग उसे बहुत मानते होंगे, तो उनसे वो सारी आदतें सीखने का ट्राई करो जिनकी वजह से आज उनकी रेपुटेशन इतनी हाई है। पॉइंट नंबर थ्री, किसी के भी पीठ के पीछे बात मत करो। आपको मैंने पहले भी ये चीज कही, अगर किसी को कुछ कहना है तो उसके मुंह पे कहो या फिर कहो ही मत। पॉइंट नंबर फोर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। इस पॉइंट को हम लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर लिया है तो मैं इसे वापस से डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर फाइव, किसी जरूरतमंद की मदद करने से पहले दो बार सोचो मत। ये दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, यहाँ पे सबके लिए बहुत कुछ पड़ा है। अगर आप किसी की थोड़ी मदद कर दोगे, किसी को गाइड कर दोगे, तो आपका कुछ कम नहीं होने वाला। एंड मैं यही चीज इस कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करता हूँ। कई बार कमेंट्स इतने ज्यादा आते हैं कि मैं खुद भी इनका रिप्लाई नहीं दे पाता, बट अगर आप उस चीज में एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप उस चीज से, अगर आप उस फेस से गुजरे हुए हो, तो प्लीज मेरी तरफ से फुल परमिशन है, उस बंदे की कमेंट्स में मदद करो। ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, बट हो सकता है आपकी कमेंट और आपका चीजों का देखने का नजरिया उस बंदे की लाइफ पूरी तरह से बदल के रख दे। तो ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प पीपल। एंड लास्ट पॉइंट आता है इंटीग्रिटी का। आप लोगों के सामने कैसे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अकेले में कैसे हो, कि आप जो अभी लाइफ में कर रहे हो कि आप उससे सेटिस्फाइड हो। अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स लेने पड़ेंगे खुद को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब तक बात अंदर से नहीं आएगी ना तब तक बाहर रेपुटेशन कभी बिल्ड नहीं हो पाएगी। तो किसी दिन थोड़ा खुद के लिए टाइम निकाल के देखो, कुछ टाइम के लिए अपने दोस्तों से मत मिलो, किसी से बात मत करो, खुद बैठो और सोचो इस चीज के बारे में, और खुद एक प्लान बनाओ कि आपको किस टाइप का इंसान बनना है और आप वो कैसे करोगे। आप कौन सी गलती अभी कर रहे हो, कौन सी गलतियों का अभी सुधारना चाहते हो, और खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि अगले 5 साल में आप किस इंसान जैसे बनना चाहते हो। वीडियो के एंड में मैं चाहता था कि आप किसी चीज को थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाओ, तो आज आप कमेंट भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन प्लीज इस चीज के बारे में जरूर सोचना। मैं मिलूंगा आपको वापस एक नई वीडियो में एक नए लॉ के साथ। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।